नमस्कार दोस्तों, संगीत विषय में क्या आप जानते हैं कि प्रथम श्रृंखला में आपका स्वागत है। आई होप कि यह वीडियो सभी संगीत विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन एवं नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। क्या आप जानते हैं नाद किसे कहते हैं? संगीत में ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। क्या आप जानते हैं नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के दो प्रकार होते हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। क्या आप जानते हैं अनाहत नाद और आहत नाद किसे कहते हैं? अनाहत नाद वह नाद है जो बिना आघात के शब्दायमान होता है, किंतु वह साधारणतया सुनाई नहीं देता। कान को उंगलियों से मूंद कर सुनने से अनाहत नाद का आभास मात्र होता है, किंतु योगी जन उस नाद बिंदु का ही ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आहत नाद वह नाद है जो वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु स्थान से उत्पन्न होता है। यह नाद संगीत उपयोगी माना जाता है। आहत नाद से ही षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद इन सात स्वरों की उत्पत्ति हुई है। क्या आप जानते हैं नाद का गुणधर्म क्या क्या है? नाद का पहला गुणधर्म है तारता अथवा ऊंचा नीचापन। तारता के द्वारा हम नाद के ऊंचेपन और नीचेपन को समझते हैं। यह गुण नाद के प्रति सेकंड होने वाली आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। इसी से हमें पता चलता है कि एक स्वर दूसरे से कितना ऊंचा और कितना नीचा है। उदाहरणतया सा स्वर से रे स्वर की दूरी ऊंची है या नीची। नाद के इस गुण को पाश्चात्य संगीत में टिम्बर कहके पुकारा जाता है। नाद का दूसरा गुणधर्म है तीव्रता यानी छोटा बड़ापन। नाद का यह गुण आघात पर निर्भर करता है। आघात जितना जोरदार होगा ध्वनि उतनी ही ज्यादा दूर तक सुनाई देगी, और आघात जितना हल्का होगा ध्वनि की स्थिति भी कम दूरी तक सुनाई देगी। नाद का तीसरा गुण है नाद की जाति। इस गुण के कारण हमें ध्वनि की प्रकृति अथवा व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। उदाहरणतया अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लें और हारमोनियम या तबला बजाएं तो हमें आभास हो जाता है कि यह हारमोनियम की ध्वनि है और वह तबले की ध्वनि है। क्या आप जानते हैं संगीत में कितने स्वरों का प्रयोग होता है और उनके नाम क्या क्या है? संगीत में सात स्वरों का प्रयोग होता है, उनके नाम सा, रे, ग, म, प, ध और नी हैं। क्या आप जानते हैं सात स्वरों का पूरा नाम क्या है? सात स्वरों का पूरा नाम इस प्रकार है, सा से षडज, रे से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से
धैवत, नी से निषाद। क्या आप जानते हैं संगीत के प्रकांड विद्वान दामोदर पंडित के अनुसार संगीत के सात स्वरों को किन पशु पक्षियों की ध्वनि से लिया गया? दामोदर पंडित के अनुसार मोर से षडज, चातक से ऋषभ, बकरे से गंधार, क्रौंच से मध्यम, कोयल से पंचम, मेंढक से धैवत और हाथी से निषाद स्वर की ध्वनि ली गई। क्या आप जानते हैं संगीत में चल, अचल और विकृत स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, यानी कभी भी अपने स्थान से ऊपर और नीचे की तरफ नहीं हटते, तो वह अचल स्वर कहलाते हैं। संगीत में सात स्वरों में अचल स्वर सा और प यानी षडज और पंचम है। जब स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं, तब उन्हें चल स्वर या विकृत स्वर की संज्ञा दी जाती है। ये चल स्वर रे, ग, म, ध एवं नी कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं सात स्वरों में से कोमल और तीव्र स्वर किन्हें कहते हैं? जो स्वर अपने नियत स्थान से नीचे हटकर गाए बजाए जाते हैं, उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। जो कि सात स्वरों में से कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध एवं कोमल नी स्वर कहलाते हैं। जब कोई स्वर अपने स्थान से ऊपर उठकर गाया बजाया जाता है, तो स्वर तीव्र कहलाता है। संगीत में केवल मध्यम ऐसा स्वर है जो अपने स्थान से ऊपर हटकर गाया बजाया जाता है, इसे तीव्र मध्यम कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।